हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं चैनल पी के ब्लॉग्स में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी हरियाली है, यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा अपने जो गांव में खेती होती है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर दिया चैनल को एंड लाइक एंड फैला दो फ्रेंड्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बैगन की खेती है एंड यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिंजल है एक स्मॉल सा, ठीक है, एंड यहाँ पे एंड बड़े बड़े भी हैं। चलिए आपको ये आप देख सकते हैं तुलसी का पौधा है, रेड वाली जो तुलसी जी होती हैं। तो चलिए आराम से निकलते हैं थोड़ा सा हटिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रिंजल्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रिंजल्स भी हैं। ये देखिए थोड़ा मैं आपको नीचे से शॉट दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बड़े बड़े ब्रिंजल्स हैं एंड यहाँ पे देखेंगे ये फ्रेंड था लंबा वाला, ठीक है, ये देखिए। एंड ये है स्मॉल वाला जो गोल गोल होते हैं सर्कल टाइप के, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं ब्रिंजल्स। मैं आपको ज़रा सोचा कि यहाँ पे बहुत सारी खेती है तो मैं थोड़ा आपको खेती भी दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं ये अभी यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टमाटो का भी पौधा है। आपने शायद नहीं देखा हो टमाटो का पौधा कैसा होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये रहा टमाटो एंड फ्रेंड्स, ये ज़मीन पे होते हैं टमाटो। कौन सा है टमाटो का, ये देखिए टमाटो यहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है टमाटो का पेड़ है, ठीक है, पौधा होता है छोटा सा। एंड मेरे पीछे भी टमाटो का है, ये देखिए। ये रहा फ्रेंड्स हमारा टमाटर का पौधा, ये भी टमाटर का ही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा टमाटर का है एंड इसमें टमाटर है भी, आप देख सकते हैं टमाटर। और ये हमको बता रहे हैं जो हमारे, अच्छा इसको छूने के लिए मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि छूने से या इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए छूते नहीं, आपको बता दें ये है फ्रेंड मटर का पियर्स का पौधा है, ठीक है ये। एंड यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लटक रहे हैं ये, ये देखिए। ओहो, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे और भी पौधा है, ये आप देखेंगे यहाँ पे। अच्छा बैगन जी, ब्रिंजल जी, हाँ हमने यहाँ पे दिखाया इनको। एंड आप ये देख सकते हैं यहाँ हरियाली कितनी अच्छी लगती है गांव में। एंड ये क्या, ये बता सकते हैं ये सीम है क्या? नहीं, ये अच्छा राहड़। आप देख सकते हैं फ्रेंड जो आप दाल खाते हैं वो इसी के अंदर से निकलते हैं, देख सकते हैं राहड़ जो बोला जाता है हमारे लैंग्वेज में, ये राहड़ के दाल है। और ये फ्रेंड्स मिर्च का पौधा देख सकते हैं, चिलीज, ये देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन, ये मिर्च के पौधे हैं। एंड आप ये देख सकते हैं यहाँ का सीनरी शॉट, ये पूरा राहड़ का है जो दाल होती है, जो दाल हम खाते हैं जो येलो येलो होती है। कौन सा, अच्छा ये काटा, अच्छा गाइस आप देख सकते हैं ये है लेमन का, जो हम जो संतरा हम खाते हैं ना फ्रेंड्स, बड़ा वाला ऑरेंज, ऑरेंज ना, ऑरेंज नहीं। अच्छा ये बड़े वाले जो लेमन होते हैं ना फ्रेंड, जो बड़े वाले लेमन होते हैं उसका ट्री है, आप देख सकते हैं। एंड इसमें कांटे होते हैं तो इसको छुएंगे तो नहीं। और आप देखो ये तो सारे ब्रिंजल्स के ही हैं। अच्छा कौन सा ग्रीन ब्रिंजल, अच्छा हाँ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन, अरे वाह कितना बड़ा ब्रिंजल, अरे यार तो बहुत बड़े बड़े हैं इसमें पौधों को नुकसान। ओहो हो गाइस आप देख सकते हैं आपने शायद इतना बड़ा ब्रिंजल ना देखा हो। इसको घर ले चलें क्या निकाल के? ठीक अभी नहीं, अभी और बड़ा होएगा क्या? हाँ। गाइस आप देख सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे डेढ़ बित्ते का है, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ब्रिंजल है ये। एक किलो का एक गाइस, ये एक किलो का नहीं हाफ केजी का जरूर होगा। आप देख सकते हैं मैंने भी इतना बड़ा ब्रिंजल नहीं देखा था, अभी मेरे को डायरेक्ट ही शॉट दिखा ये। तो गाइस आप देख सकते हैं ये ग्रीन ब्रिंजल है एंड वो था फ्रेंड्स वो कौन सा, वो वायलेट, गुलाबी और वाइट ग्रीन है। अच्छा ये मिक्सिंग वाला है जो ड्यूअल कलर में होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिंजल्स की बहुत सारी वराइटीज पाई जाती हैं। एंड ये तो मैंने आपको बताया राहड़ की दाल है सारे, एंड ये सारे बैंगन ही है। अच्छा पुदीना, जिसे हाँ हाँ पुदीना समझते हैं, हाँ
पुदीना जो पेट को साफ करता है एंड ये अच्छा हल्का खट्टा खट्टा टाइप का होता है, समझता है? हाँ हाँ देखिए भाई, ये है फ्रेंड्स पुदीना का एंड ये अमरुद का एक पेड़ है। यहाँ पे वो फूल आया है। अच्छा ये अमरुद का पेड़ है और वो गाइस वो तो आप जानते ही होंगे नीम का पेड़ है। ये बनारस का अमरुद का पेड़ है। अच्छा ये बनारसी अमरुद का पेड़ है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी एंड गाइस आपको अगर ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अच्छा ओहो देख आप देख सकते हैं कितना इसमें फूल लगे हुए हैं, ये सारे मिर्च हैं। पास से दिखा दिया हमने, जूम कर लिया था अपने आईफोन 11 प्रो मैक्स को। नीचे से वो देखिए गाइस मेरे को एक यहाँ से ब्रिंजल दिखा है बिग साइज का। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पे गाइस यहाँ पे धान की खेती हुई थी और वो जो धान है वो कट चुके हैं आप देख सकते हैं, तो इसलिए फील्ड खाली दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए भी सारा जो है धान कट चुका है इसलिए यहाँ पे खाली है। एंड आप ये देख सकते हैं ये है ताड़ का पेड़, इसे फ्रेंड गर्मियों के मौसम में कोवा निकलता है जो कि टेस्टी लगता है खाने में एंड इससे और भी कुछ निकलता है मैं क्या बताऊँ। ओके एंड ये आप देख सकते हैं ये मैंगो का ट्री है आम का, इसमें भी गर्मी में ही फल लगते हैं। ये भी बहुत इससे मैंने बहुत पेड़ खाए थे फ्रेंड जब मैं यहाँ रहता था, ये मेरे नानी का गांव है। कौन सा वाला? अच्छा ये लौकी गाइस आप देख सकते हैं लौकी यहाँ पे है, ये कद्दू बोलते हैं यहाँ पे भोजपुरी स्टाइल में। चलिए आपको थोड़ा अंदर से भी दिखाते हैं। ओहो यहाँ तो पूरी खेती है भाई। आप देख सकते हैं यहाँ बिग साइज के लौकी हैं कद्दू, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल देसी है फ्रेंड्स, इसमें कोई दवाई मिलावट नहीं है बिल्कुल देसी है। और ये धान जो है धान है सारे आप देख सकते हैं धान, इसके अंदर ही चावल निकलते हैं फ्रेंड्स, जो आप चावल खाते हैं इसके अंदर ही निकलते हैं। गाइस अभी हमको एक बहुत ही तगड़ा चीज़ दिखाई, ये मैं बता सकता हूँ ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेरे को लग रहा है ये लौकी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज में है ये फ्रेंड्स, लंबाई में ही दिखेगा आप देख सकते हैं नीचे से 10 किलो पूरे 10 किलो। ओहो बता रहे हैं हमारे सहपाठी जो हमारे साथ हैं 10 kg का, देख सकते हैं ऊपर से कितना लंबा है ये। गाइस मैं भी कह सकता हूँ कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये लौकी कद्दू जो इसको बोलते हैं यहाँ, देख सकते हैं ये ओवी फ्रेंड्स ये देसी है। वाओ गाइस, तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पीके ये ब्लॉग को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।